नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और मैं यहाँ मैम के पास मेरी मम्मी के रेफरेंस से आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी यहीं से हुआ था और उसके बाद से मेरी मम्मी बहुत जल्दी रिकवर कर गई। उसके बाद मम्मी ने मुझे यहाँ के लिए बोला तो मैं बेंगलोर से फिर यहाँ आई, क्योंकि मुझे बेंगलोर में उतना अच्छा नहीं मिला कि जिससे मेरी हेल्थ तो सही हो सके प्रेगनेंसी में। और जब मैं यहाँ आई तो आने के साथ ही मुझे जो डॉक्टर ने दवाइयाँ रेकमेंड की, जो भी चीज़ें मुझे बताई, उनसे मैं इतने अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत अच्छे से मैं अपने कवर कर पाई और फिर यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ बहुत अच्छे से, और बहुत सारा सब कुछ अच्छे से हुआ। और मैं मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्टाफ इतना सपोर्टिव है, मैम बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, मेरे सोच से भी ज़्यादा अच्छा था। एक बार थोड़ा डर था कि हाँ पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन अभी जब सब कुछ अच्छा हो गया है तो वो डर भी निकल गया है। बहुत अच्छे से मैम ने देखा, सपोर्ट किया, स्टाफ ने भी बहुत अच्छे से रखा, बहुत केयर किया, सारा सब कुछ अच्छे से हो गया। और आप ये मेरा बेबी भी देख सकते हो जो कि बेबी भी एकदम बहुत केयर हेल्दी, करता हाँ हेल्दी है। हुआ है मैम के बिल्कुल अच्छी दवाइयाँ रिकमेंड करने से। बहुत क्या कहूँ, मतलब थैंक यू मैम, यहाँ आने से मैं बहुत सही हो गई हूँ। ये तो है, क्योंकि मुझे बेंगलोर में इतना अच्छा रेस्पॉन्स डॉक्टरों से बिल्कुल नहीं मिला था, और उसके बाद मैं थोड़ा डर गई थी कि पता नहीं जयपुर में भी कोई अच्छा होगा या नहीं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा, बट मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड तारीफ करते हैं मैम की कि हम बहुत सही जगह आए हैं और हमारे सारे लिए गए डिसीजन बहुत सही हुए, वो तो रोज यूं कहते, रोज बोलते हैं। एक बार भी निबोली दर्द हो रहा है हाँ सीजन में, एक बार भी निबोली दर्द हो रहा जो ध्यान रखते हैं ना दर्द हाँ होने का, कि जो उस हिसाब से इंजेक्शन और उस हिसाब से दवाइयां पहले लगाई जाती है कि मरीज को परेशानी नहीं हो, मैंने तो यही कहा कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा लग जाए लेकिन काम अच्छा हो जाए तो बाकी जो बड़े उनको। ब्रांडेड हॉस्पिटल्स हैं उनसे तो हमारा पैसा आधा ही लगा है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। मतलब एक्चुअली देखो, सबका अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ बेसलाइन तो सबको ही लेना पड़ता है, बट डेफिनेटली हमारा जो भी हम लेते हैं तो उसमें एक जो मेन एम हमारा है वो ये भी पेशेंट को क्वालिटी केयर देना, हाँ दूसरा है हमारा एक जो मेन फोकस होता है कि तकलीफ ना हो, पेशेंट को दर्द ना हो, क्योंकि मेन परेशानी वही होती है इंसान को हाँ कि भाई भाई पेशेंट ऑपरेशन डर गया होगा है, तो दर्द होगा। तो जैसे आप खुद बोल रहे हो कि आपको दर्द नहीं महसूस हुआ और आपके नहीं हस्बैंड भी बोल रहे मैम हो, मेरे बिल्कुल नहीं हस्बैंड हुआ। है ना इतना सरप्राइज हो गए कि तुम दूसरे दिन उठ के चलने लग गई। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कैसे मैनेज करूंगी क्या। वो अभी भी रोज यही बोलते हैं कि मानना पड़ेगा मैडम ने, मतलब इतना अच्छा मम्मी ने बताया हॉस्पिटल और मैम ने इतना अच्छा किया कि तुम दूसरे दिन उठ के चलना शुरू कर दी। दूसरे बेसिकली वो इसी बात का दिन ही फर्क तो है। उठा रही है, एक ही दिन उठा है उसको, फिर ऐसे बोले कि देखो मम्मी आज अपने आप उठ रही है, आज अपने आप उठ रही है। तो ये हाथ वाला ऑपरेशन था क्योंकि हाँ सिजेरियन ऑपरेशन था, और मैजिक अगर दूरबीन वाला करते हम लोग जो नॉर्मल ऑपरेशन और करते, जैसे आपकी मम्मी का हमने दूरबीन वाला किया हाँ था जैसे, तो मम्मी तो इससे भी जल्दी फास्ट रिकवरी हाँ दी, इतनी मम्मी भी ने तो नहीं है कर उसमें दिया प्रॉब्लम। था। सो ये जान के हमें अच्छा लगा कि आप बेंगलोर से आप हमारे पास पहुंचे और आपका काम, आप खुश हुए, अच्छा लगा बिल्कुल आपको। मैम बिल्कुल, मैं मुझसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड खुश है कि बहुत अच्छा मम्मी ने रेकमेंड किया, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रहता है कि पता नहीं कैसे क्या हो, क्योंकि बेंगलोर में, बेंगलोर इतनी अच्छी सिटी होने के बाद भी वहां डेफिनेटली पे ऐसा दवाइयां होता है कि लगी, मैं अच्छे डॉक्टर पर मेरे दो को महीने वहां की रखे कि दवाई फिर मैं यही बिल्कुल नहीं लिया कि लगी। वहीं चल, फिर जहां जब मैंने मम्मी लगाया वहीं ने चल यहाँ पे बताया तो लेके वो आ गई तो मैं तो रोज इसको, बोलते हैं कि मम्मी अच्छा आपने सही बताया, मेरी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई। निकल अभी वो गई बिल्कुल खुशी टेंशन खुशी फ्री होकर के गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है मम्मी के साथ, कभी दिक्कत तो मैडम है ना चले जाना। वो अभी भी यही बोलते हैं, अभी भी फोन करके पूछ रहे थे आ गई ना हॉस्पिटल, हाँ जो भी दिक्कत हो मैम को बता देना, कोई अपने डर वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। डेफिनेटली। थैंक बहुत बहुत यू धन्यवाद मैम। आपका। फोटो ले ले।